राजस्थान विधानसभा चुनाव को लेकर सुबह 7 बजे से वोटिंग का दौर जारी है। अपने वोटिंग राइट्स का इस्तेमाल करने को लेकर बड़ी संख्या में वोटर पोलिंग बूथ पर पहुंच रहे हैं। सूबे में मुख्य मुकाबला सत्ताधारी कांग्रेस और विपक्षी पार्टी बीजेपी के बीच है। राजस्थान विधानसभा में कुल 200 सीटें हैं, लेकिन आज 199 सीटों पर ही मतदान हो रहा है। ऐसे में आज वसुंधरा राजे ने झालावाड़ में वोट डाला, तो वहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सरदारपुरा में मतदान किया। वोट डालने से पहले गहलोत परिवार के साथ अपने पुराने घर पहुंचे। इसके अलावा बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी और कई अन्य नेता भी पोलिंग बूथ पहुंचे। देखिए क्या कुछ कहा उन्होंने। देखिए, लोकतंत्र का महापर्व है और इस दिन प्रत्येक मतदाता को अपने मत का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि आपका एक मत सत्य न्याय और सद्भाव का प्रतीक होता है, सुशासन और प्रगति का प्रतीक होता है। इसी वोट की पैटी से सुशासन भी आता है और आतंकवाद भी आता है। इसी वोट की पैटी से सत्य भी आता है, असत्य भी आता है, न्याय भी आता है। ऐसे में हर व्यक्ति को अपने मत का प्रयोग करना चाहिए। राजस्थान की जनता ने पिछले कई दिनों से जाने का मुझे अवसर मिला है। राजस्थान की जनता चल पड़ी है भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी के साथ। स्पष्ट लग रहा है कि भाजपा आएगी, कांग्रेस आएगी। देखिए, देश के लिए संदेश, आज वोटिंग परसेंटेज जितना बड़ा होगा और बीजेपी के पक्ष में जितना मतदान होगा, वो देश के लिए और राष्ट्र के लिए उतना ही फायदेमंद होगा। तो मेरा तो सभी मतदाताओं से हाथ जोड़कर निवेदन है कि आज घरों से निकलें। ये भारत का सबसे बड़ा पर्व है। जैसे भारत में दिवाली मनाई जाती है, उससे भी बड़ा, दिवाली के बराबर ही भारत में मतदान का भी पर्व है। तो मेरा भारतीयों से और अपने राजस्थान वासियों से और अपने वार्ड वासियों से निवेदन है, आज जोड़ के विनम्र निवेदन है कि आज बगरू विधानसभा में डॉक्टर कैलाश वर्मा जी को भारी मतों से विजयी बनाकर उनको विधानसभा भेजे। उससे और पूरे राजस्थान में सभी प्रत्याशियों के, भाजपा प्रत्याशियों के वोटों को कमल के फूल का बटन दबाकर मतदान विजयी बनाएं और राष्ट्रहित में अपना सहयोग प्रदान करें। देश कमल का फूल खिलेगा तो पूरे भारत में राष्ट्र के लिए बहुत अच्छा रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। इन सबके बीच बाकी की 199 सीटों के लिए राजस्थान में वोटिंग प्रक्रिया जारी है। ऐसे में आज का दिन काफी अहम माना जा रहा है। राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 को लेकर पोलिंग पार्टियों ने मतदान केंद्रों पर मोर्चा संभाला हुआ है। आपको बता दें कि जयपुर की 19 विधानसभा में मतदान जारी है। सुबह 7 से 9 बजे तक 11.07% मतदान हो चुका है। इसी बीच जयपुर के कई मतदान केंद्रों पर मतदाताओं के लिए सेल्फी पॉइंट भी बनाया गया है, जहां लोग वोटिंग करने के बाद सेल्फी लेते भी दिखाई दिए। इसके अलावा नए मतदाताओं को सर्टिफिकेट भी दिए गए। देखे ये वीडियो। पावनी, हाँ, बहुत अच्छा। रानी गुप्ता, पहली बार, हाँ, फर्स्ट। आर्यन गुप्ता, हाँ। अगर आप सरकार देखना चाहते हैं, आप किसका सरकार देखना चाहते? बीजेपी की। बीजेपी, तो ये सेल्फी पॉइंट, ये काफी अच्छा इनिशिएटिव है, ताकि लोग और जागरूक हो सके और लोगों को वोट देना चाहिए, ताकि ये अच्छी सरकार बने, वो हमारे लिए अच्छे अच्छे काम करे। इसलिए तो बाकी जो यूथ है जो नहीं घर से निकल पा रहे, उनको क्या मैसेज? नहीं, उनको जागरूक होना चाहिए कि अच्छी सरकार बनेगी तो वो हमारे लिए काम करेगी, फिर और चीज़ें होगी, आगे बढ़िया होगी चीज़ें, तभी होगी उनके लिए भी, तभी बेनिफिशियल है। तो उन्हें जागरूक होने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, ज़्यादा लोग आके वोट दे। ये जो पहली बार नव मतदाता है, उनके लिए सर्टिफिकेट दिया जा रहा है, युवा उनके लिए आप सर्टिफिकेट इशू करते हैं कलेक्टर साहब की तरफ से। सर, आपका शुभ नाम? वीरेंद्र शर्मा, श्रीराम विहार, महल योजना। यहाँ की स्थिति बहुत मजबूत लग रही है, लोग आ रहे हैं, सभी लोग, वोटिंग परसेंटेज भी अच्छी लग रही है, काफ़ी लोग सुबह से मैं देख रहा हूँ, काफ़ी लोग आए हैं वोट डालने के लिए। पहले के हिसाब से कितनी परसेंटेज बढ़ रही है? देखने में तो प्रतीत हो रहा है कि परसेंटेज बढ़ रही है। तो सर, इस बार इलेक्शन आयोग ने सेल्फी कॉन्टेस्ट रखा है, इसके बारे में थोड़ा बताइए। सेल्फी कॉन्टेस्ट जो नव युवा मतदाता हैं, उनको प्रोत्साहन देने के लिए है कि सेल्फी का जो शौक है वो युवाओं को बहुत ज़्यादा होता है, वैसे ही सेल्फी लेते रहते हैं सामान्य रूप से। तो निर्वाचन आयोग ने सोचा है कि अब की बार इलेक्शन में क्यों ना इस प्रयोग को आजमाया जाए। तो इसका मतलब भरपूर लाभ भी मिल रहा है, लोगों में एक उत्साह का माहौल है कि वोट देने के बाद में वो अपनी अपनी सेल्फी ले रहे हैं।
और उनको कोई पुरस्कार वगैरह भी दिया जा रहा है इसमें? हाँ, पुरस्कार भी दिया जा रहा है कि सबसे ज़्यादा जो लाइक हैं मिलने पे, जो प्रथम पुरस्कार है लगभग 10,000 रुपये का है, और इस तरह से और भी दो पुरस्कार हैं इसमें। तो ये बहुत ही अच्छी मतलब सरकार की पहल है निर्वाचन आयोग की, और इससे मतलब युवाओं में रुझान भी अच्छा है, वोटिंग प्रतिशत भी इससे बढ़ा है। अभी वोटिंग प्रतिशत कितनी ही हो चुकी है? अभी लगभग 25% हो चुकी है। अब ऐसे में कई लोग हैं जिनके मन में सवाल उठ रहा होगा कि आखिर 199 असेंबली सीट पर ही वोटिंग क्यों हो रही है? ऐसा क्या हुआ कि 200 विधानसभा वाले राज्य में एक सीट पर मतदान नहीं कराया जा रहा है? इसका कारण है कांग्रेस प्रत्याशी गुरमीत सिंह कुन्नूर का निधन। आपको बता दें कि राजस्थान की 200 में से जिस एक सीट पर आज वोटिंग नहीं हो रही है वो श्री करनपुर निर्वाचन क्षेत्र है। यहाँ कांग्रेस कैंडिडेट के निधन की वजह से चुनाव स्थगित कर दिया गया है। ये सीट श्री गंगानगर जिले में आती है। इस सीट पर कांग्रेस की ओर से गुरमीत सिंह कुन्नूर चुनाव मैदान में थे, जिनका 15 नवंबर को अचानक निधन हो गया था। 75 साल के कुन्नूर इस सीट से विधायक भी थे। कांग्रेस ने उन्हें फिर चुनाव मैदान में उतारा था। हालांकि खराब सेहत की वजह से उन्हें दिल्ली एम्स में 12 नवंबर को एडमिट कराया गया था। इलाज के दौरान ही 15 नवंबर को उनका निधन हो गया। इस खबर पर क्या कहना है आपका, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी इसी तरह की तमाम जानकारी के लिए आप बने रहिए द फ्रीडम न्यूज़ के साथ।